हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू महात्मा जी इंग्लिश सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही ईजी होने वाली है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखने में फोकस करना है, क्योंकि एंड टाइम पे ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में जब पूछी जाती हैं तब हम बहुत कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट है हमारा, देखो, ही डॉट 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 टू स्कूल डेली। अब जहाँ पर भी, एक बात याद रखना, जहाँ पर भी डेली शब्द का यूज़ हो जाए, डेली वर्ड का यूज़ हो जाए, वहाँ पर टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या ई एस का यूज़ होता है वर्ब में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या ई एस का यूज़ होता है वर्ब में जब हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का वर्ड्स का ट्रांसलेशन करते हैं। तो गो के साथ हम यहाँ पर लगा देंगे ई एस, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है। आई आई देखो, हमारा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, इसमें रीड का रीड ही रहेगा। आई रीड अ बुक टुडे, मैंने एक किताब आज पढ़ी थी। रीड की जो है थर्ड, तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती हैं, रीड रीड और रीड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनकी प्रोनंसिएशन जो है वो अलग अलग हो जाती है, रीड रेड रोड ऐसा करके होती है, बट इनकी जो इनकी स्पेलिंग जो है वो सेम रहती है। तो आई रीड अ बुक टुडे, आज मैंने एक किताब पढ़ी। नेक्स्ट देखो, ही डॉट 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 माई ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प है माई ब्रदर, अब ये यहाँ पर सेंस आ रहा है कि हम ये काम जो है वो पहले हो चुका है, ठीक है। तो ही हेल्प्ड, एच ई एल पी ई डी, कि उसने मेरे ब्रदर की सहायता की। आई डू नॉट, यहाँ पर डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई डू नॉट हेल्प यू, ठीक है, मैं आपकी सहायता नहीं करता हूँ। वी डिड नॉट, वी डिड, अब जहाँ पर भी डिड या डू आ जाए वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, क्योंकि जो हम फॉर्म चेंजेस वाला प्रोग्राम है वो हम डिड के या डू के साथ में कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, डू की सेकंड फॉर्म है, डिड यहाँ पर आ गई, तो अब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। आई डिड नॉट बीट, ठीक है, ओनली बीट, अब ये टेंस हो गया। जब जब भी डिड का यूज़ होगा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंसेस का यूज़ होगा, ठीक है, जब भी डिड का यूज़ होगा जहाँ पर भी आपको डिड दिखेगा, दैट मीन्स वो टेंस हमारा जो है वो पास्ट है, सिंपल पास्ट। आई डिड नॉट बीट यू इन मार्केट, इन द मार्केट, मैंने आपको मार्केट में नहीं पीटा या मारा, एज़ यू कैन से। दे डिड नॉट, यहाँ पर भी डिड आ गया, देखो, दे डू की सेकेंड फॉर्म, डिड नॉट, अब यहाँ पर भी जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंपल, जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आएगी। आई डिड नॉट बाई सम मैंगोज, मैंने कुछ आम जो है वो नहीं खरीदे। नेक्स्ट है देखो, योर फादर, ठीक है, आपके पिता, योर फादर, अब ये सेंस इस टेंस में पास्ट का ही आ रहा है, ठीक है। योर फादर रोट, योर फादर रोट अ लेटर, आपके फादर ने एक पत्र लिखा। अब रोट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है, रिटन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सिंपल पास्ट जो टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंसेस का हम जब भी ट्रांसलेशन करेंगे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। प्रेजेंट सिंपल का हम कभी भी टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, माय मदर, यहाँ पर आ जाएगा रीड आ पेपर, ठीक है। माय मदर रीड आ पेपर, मेरी जो माता थी उन्होंने एक पेपर पढ़ा। रोड, यहाँ पर रीड आएगा रीड ही, लेकिन पढ़ेंगे उसको हम रोड, क्योंकि ये इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, इसकी प्रोनंसिएशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है देखो, नाइन यू डॉट 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 आ नॉइज़ इन द क्लास, तो मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड, तो यू मेड, आपने क्या किया, क्लास में शोर किया, यू मेड अ नॉइज़ इन द क्लास। सेकेंड देखो, डू, अब यहाँ पर डू पहला आ गया, डू यू कॉल हिम, क्या तुमने उसे कॉल की। डज़, यहाँ पर डज़ आ गया, अब डू जो है वो प्लूरल में यूज़ होता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनमें डू यूज़ होता है, डज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है।
अभी इंटरोगेटिव हैं ये, डू डज डिड से जो भी वर्ब जो भी सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे वो सारे इंटरोगेटिव होंगे, उनमें क्या होगा प्रश्न पूछा जाएगा। इंटरोगेटिव में सेंटेंसेस में कभी भी ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो क्वेश्चन किया जाता है हमेशा। मैनी पीपल कैन से इंट्रोगेटिव, ठीक है, बोथ आर राइट, इंटरोगेटिव इंट्रोगेटिव एज यू कैन से, नथिंग इशू। डज ही, ठीक है, डज ही रीड अ बुक, क्या उसने एक किताब पढ़ी। नेक्स्ट देखो 12, डज रामा नॉट, ठीक है, वर्क, डज रामा नॉट वर्क वेल, क्या जो रामा थी उसने काम अच्छा नहीं किया। ये रामा भी है और राम भी है, ठीक है, इसको रामा भी पढ़ते हैं क्योंकि रामा भी नाम होता है और राम भी नेम होता है जो। डज ही, ठीक है, डज ही यहाँ पर भी राइट, डज ही राइट ऐसे, क्या उसने एक ऐसे लिखा। डज नवीन नॉट प्ले, इनमें सब में फर्स्ट ही फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर फॉर्म जो है वो चेंज हो गई है, इंट्रोगेटिव में फॉर्म चेंज हो गई है। और एक बात और, ये जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मूला होता है ट्रांसलेशन का, वो इंट्रोगेटिव का जो ये डू और डज वाले दे रखे हैं, तो ये होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है ओनली। और यहाँ पर अगर डिड लगा देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का, ठीक है, इंट्रोगेटिव। यहाँ पर इंट्रोगेटिव है इसलिए इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चाहे किसी भी टेंस के हों, पास्ट के, फ्यूचर के, प्रेजेंट के, सभी में डू या डज ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अगर पहले होगी तो वो इंट्रोगेटिव ही माना जाएगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।